नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्री क्लिनिक्स एवं एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के बारे में। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम है जो नाबार्ड और मैनेज के द्वारा संचालित की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। इसके अलावा गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है जो अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। एग्री क्लिनिक बिजनेस जो है या एग्री क्लिनिक जो स्थापित होंगी, इसके अंतर्गत फार्मर्स की जो है क्या सॉइल्स हेल्थ परीक्षण, क्रॉपिंग प्रैक्टिस, प्लांट प्रोटेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज, इन सब से रिलेटेड जो फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड करना है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, फीड एंड फोडर मैनेजमेंट है, प्राइजेस ऑफ वेरियर मतलब अनेकों प्रकार की जो क्रॉप्स हैं इनसे रिलेटेड जो सर्विस है वह प्रोवाइड एग्री क्लिनिक्स के अंतर्गत की जाएंगी। एग्री बिजनेस सेंटर के अंतर्गत एग्री वेंचर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो अनएम्प्लॉयड ट्रेंड एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा जो है कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा सकते हैं, इनपुट सप्लाई करने का काम किया जा सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड और अन्य जो अलाइड एरिया हैं उनसे रिलेटेड सर्विस जो है वह प्रोवाइड की जाएगी इसी एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर के द्वारा और एग्री क्लिनिक्स के द्वारा। अब आगे बात करते हैं एलिजिबल एप्लीकेंट्स। तो जिस व्यक्ति ने मैनेज के द्वारा जो 45 डेज की ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर ली है वही व्यक्ति लोन या सब्सिडी के लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा कोई रिटायर्ड ऑफिसर है तो वह व्यक्ति सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर से जैसे हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, डेयरी, वेटरनरी, पोल्ट्री फार्मिंग या सेरिकल्चर या अन्य से रिलेटेड जो है उन्होंने स्टडी की है उनके करिकुलम में ये रहा है स्टडी करिकुलम में तो वह इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर या अलाइड सब्जेक्ट में, यदि किसी ने डिप्लोमा या डिग्री कोर्स किया है UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त जिसमें 60% से ज़्यादा कंटेंट जो है एग्रीकल्चर या अलाइड सब्जेक्ट का है तो वह व्यक्ति भी इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और सब्सिडी या ग्रांट लेने के लिए। इसके अलावा जो जिस व्यक्ति ने 12th किया है उसमें 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं उसके तो वह व्यक्ति भी इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकता है। आगे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यह जो ट्रेनिंग इसमें जो ग्रेजुएट्स एग्री क्लिनिक या एग्री बिजनेस सेंटर स्थापित करना चाहते हैं उन्हें यदि इन आगे भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी तो वह फ्री ऑफ कॉस्ट इनको प्रोवाइड की जाएगी मैनेज के द्वारा। ठीक है, अब आगे हम इसमें बात करते हैं जो बेसिक डिटेल है इसके बारे में। तो एक एग्री क्लिनिक एक ऐसी क्लिनिक है जो सॉइल हेल्थ, क्रॉपिंग प्रैक्टिस, प्लांट प्रोटेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल सर्विस फॉर एनिमल, इसके अलावा फीड एंड फोडर मैनेजमेंट, ये सब फैसिलिटी जो है वह प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके अलावा एग्री बिजनेस के अंतर्गत हम बात करें तो देखिए उसमें मेंटेनेंस जो है कस्टम हायरिंग की आप स्थापना कर सकते हैं, वह उसका मेंटेनेंस आ जाता है, इनपुट सप्लाई करने का काम आ जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट डालना जैसे ग्रेडिंग प्लांट हो गया, पैकेजिंग प्लांट हो गया, ये सब डालना, अन्य कोई वैल्यू एडिशन यूनिट आप डाल सकते हैं, सीड्स प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग यूनिट्स आप डाल सकते हैं, डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी, एपायरी, फिशरी, गोट्री, मशरूम, रेबिट रेयरिंग यूनिट्स, ये सब यूनिट आप इस स्कीम के अंतर्गत डाल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं यदि ट्रेनिंग लेने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है agriclinic.net का, आप यहाँ पे जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। जो आपको 45 डे की ट्रेनिंग लेना होगी उसको लेने के बाद ही आप इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करके एग्री क्लिनिक या एग्री बिजनेस सेंटर की स्थापना कर पाएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस स्कीम की जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो, तो देखिए इस स्कीम में यदि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति प्रोजेक्ट लगाता है तो उस स्थिति में जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो अधिकतम 20 लाख रुपये तक रहेगी। यदि ग्रुप मिलके कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करता है या लगाता है तो उसमें अधिकतम इसकी कॉस्ट जो है 1 करोड़ रुपए तक रह सकती है। इसके अलावा इसकी हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 60 वर्ष का व्यक्ति इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल है इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट लेने के लिए। सब्सिडी पैटर्न की हम बात करते हैं तो जो है इंडिविजुअल में जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है वह
36% तक की सब्सिडी लेने के लिए पात्र होगा। इसके अलावा यदि कोई वोमन एसटीएससी और हिल स्टेट कैंडिडेट से तो उसको 44% यानी 44% तक की सब्सिडी प्राप्त की जाएगी, है ना। बैंक लोन के टेनर की बात करें तो इसमें जो लॉक इन पीरियड रहेगा, मतलब 3 साल से पहले आप जो है लोन लिया है उसको सेटल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोलेट्रल सिक्योरिटी की बात करें तो अधिकतम यदि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 10 लाख रुपए तक का है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी देना आवश्यक नहीं है। यदि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 10 लाख रुपए से ऊपर रहता है तो आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी, मतलब आपको बैंक को जो है कोलेट्रल देना पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि यदि आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमाधारी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोर्टल पे आके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है जनसमर्थ, यहाँ पे आके आप ऑनलाइन लॉगिन करके या अपना अकाउंट रजिस्टर करके, अभी आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले आपको अपनी 45 डेज की ट्रेनिंग करना होगी, ठीक है दोस्तों। और इस स्कीम के अंतर्गत आप सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते हैं। दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।